मैं हूं अर्पिता और आप सबको स्वागत है मेरी चैनल अर्पिताज किचन एंड क्रिएशंस में। आज हम इसी वीडियो में देखेंगे अमूल रसमलाई के रिव्यू। तो ये रसमलाई कैसे रहती है, कैसे लगता है, मैं प्राइस क्या है, मैं आपको पूरे डिटेल्स में वीडियो में बताऊंगी। तो ये है अमूल रसमलाई। आपने तो बहुत सारे रसमलाई खाए होंगे। आपने अगर अमूल की रसमलाई खाया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताना। और अगर आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि नेक्स्ट में जो वीडियो अपलोड करूँगी वो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है बॉक्स। जो बॉक्स आता है देखिए, इस तरह से बहुत अच्छे बॉक्स में ये पैक होके आया था और मैं इसको ओपन कर रही हूँ। इसको हम देखिए, ऊपर में एक लेयर कवर है, उसको हम फाड़ के देखेंगे। ये पूरा फ्रीज है, पूरा आइस हो गया है। तो हम लोग इसको कुछ देर इस तरह से छोड़ देते हैं और पीछे में इंस्ट्रक्शन क्या लिखा है हम लोग चेक कर लेते हैं, क्योंकि इंस्ट्रक्शन देखने के बाद ही पता चलता है कि इंस्ट्रक्शन में क्या है और कैसे करेंगे। तो यहाँ पे 3-4 टाइप का इंस्ट्रक्शन दिया गया था। देखिए यहाँ पे पूरा सारा इंस्ट्रक्शन दिया गया था। आप नीचे थोड़ा वार्म वाटर में इसको रख सकते हैं या आप इसको बाहर भी रख सकते हैं, थोड़ा 30 मिनट्स 1 आवर के लिए। फिर नहीं तो आप इसको कवर इसका ओपन करके आप इसको माइक्रोवेव में 2-3 मिनट आप गर्म भी कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने जब ओपन किया मैंने 15-20 मिनट्स इस तरह से बाहर रख दिया था और फिर मैंने इसको माइक्रोवेव किया। नॉर्मल टेम्परेचर में माइक्रोवेव किया था मैंने। दो मिनट किया फर्स्ट, 2 मिनट में नहीं हुआ, फिर मैंने फिर से 30 सेकेंड्स किया था। तो मैंने 2 मिनट 30 सेकेंड्स किया था इसको माइक्रोवेव। तो ये अच्छे से नॉर्मल ये में आ गया। देखिए यहाँ पे पूरा लिखा गया है कैसे आप इसको डिफ्रॉस्ट करेंगे। और ये इसका प्राइस है 230 रुपीज़ है इसका प्राइस। और इसमें रहते हैं 8 पीसेस रसमलाई। तो मैंने यहाँ पे माइक्रोवेव मैंने नहीं रखा था। देखिए मैं आपको दिखाने के लिए इसको इस तरह से ओपन कर लेनी है। पूरा इसका जो ऊपर में कवर होता है इसको आप इस तरह से ओपन कर लीजिए। देखिए मैंने जो 15-20 मिनट इस तरह से रख दिया था, आपको साइड से पता चलेगा। देखिए साइड से थोड़ा थोड़ा इसका जो मिल के इसमें निकल रहा है। अब हम इसको माइक्रोवेव कर देंगे। इस पे आपको और एक बार दिखा रही हूँ, मैंने इसको माइक्रोवेव कर दिया है 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स के लिए। देखिए ये इस तरह से हो गया है। ये ज़्यादा गर्म नहीं हुआ क्योंकि मुझे थोड़ा ठंडा पसंद है रसमलाई। अब मैं इसको इस तरह से निकाल लूँगी। जब आप इसको ओपन करें तब आप इसको 1 या 2 दिन में ही फिनिश कर लीजिए। और अगर आपको 2-3 पीसेस खाकर फिर से रखनी है फ्रिज में तो आप फ्रिज में इसे नॉर्मल रख लीजिए और आप उसको उसी दिन ही या नेक्स्ट टाइम ही इसको आप ख़त्म कर लीजिए, नहीं तो ये बाद में ख़राब हो जाती है। तो चलिए हम इसको निकालते हैं एक छोटे से बाउल में। और इसका टेस्ट तो मैं बोलूँगी, इसका टेस्ट बाकी के जगह के रसमलाई से बहुत ही अच्छा था। ये प्योर रसमलाई लगा, जैसे हम लोग घर पे बनाते हैं वैसे लगा मुझे। और अमूल का तो सारा प्रोडक्ट भी वैसे बहुत अच्छा रहता है, तो मैं तो बटर भी इसका अमूल का ही यूज करती हूँ। और मैं घर के बहुत सारे प्रोडक्ट अमूल का ही यूज करती हूँ, अगर ना मिले तो किसी और मतलब ब्रांड से यूज करती हूँ, नहीं तो मैं अमूल का ही सारे प्रोडक्ट यूज करती हूँ। तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था। आप अमूल की रसमलाई ज़रूर ट्राई कीजिए और कैसे लगा मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए। और अगर आपने ट्राई किया भी है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए। ये प्राइस के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है, 230 रुपीज़ 8 पीसेस को, फिर भी ये बहुत अच्छा है। दुकान में भी ऐसे भी नॉर्मल ऐसे ही प्राइस रहते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट में जो वीडियो अपलोड करूँगी वो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच